जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन Thank you.
वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे दूरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्म गुह्यं भगवतो यतप्रयतो नर सायं प्रातरुणं भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। इसमें भागवत के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय का 29वां श्लोक है। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा भगवद गीता में भगवान ने घोषणा की है कि जो भी कोई उनके दिव्य जन्म तथा कर्म के तत्वों को जानता है वह इस अस्थायी भौतिक संसार से छूटकर भगवत धाम को जाता है। अतएव इस भौतिक जगत में भगवान के अवतार की गुह्यता को भली भांति जान लेने पर भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। अतः भगवान का जन्म तथा उनके कर्म जिन्हें वे जन सामान्य के कल्याण हेतु प्रकट करते हैं सामान्य नहीं होते, वे गुह्य हैं। और जो भक्ति पूर्वक इस विषय की गंभीरता को जानना चाहता है उन्हें ही यह रहस्य प्रकट हो पाता है। इस तरह उन्हें भव बंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अतः यह सलाह दी गई है कि जो कोई भागवत के इस अध्याय का जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक केवल पाठ करता है उसे भगवान के जन्मों तथा कर्मों का अंतर दर्शन प्राप्त हो जाता है। विमुक्ति शब्द इस बात का सूचक है कि भगवान का जन्म तथा उनके कर्म दिव्य है। अन्यथा मात्र उनका पाठ करने से किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अतएव ये गुह्य हैं और जो भी भक्ति के निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते वे भगवान के जन्म तथा कर्म के रहस्य को जान पाने का अधिकार नहीं रखते। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये भागवत का तृतीय अध्याय है प्रथम स्कंद का जिसमें भगवान के अनेक अनेक अवतारों का वर्णन आता है। और इन अवतारों का जब हम श्रील प्रभुपाद कहते हैं और कई बार हमारे आचार्य कहते हैं कि सुबह शाम जब इन अवतारों का कथा सुनते हैं किस रूप में, मंगला आरती और गौर आरती के रूप में,
आपका थोड़ा गौर अर्थी छूट गया होगा आज, कोई बात नहीं, बाकी दिन में मिल जाएगा। तो मंगला आरती करते हैं, हम क्या करते हैं भगवान के गुण और लीलाओं का वर्णन करते हैं, और गौर आरती करते हैं शाम को संध्या का, तभी हम भगवान के गुण और लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करते हैं। और बीच में हम जब दिन में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, उसमें भी हम क्या करते हैं भगवान के नाम गुण लीला इसका वर्णन करते हैं। इस प्रकार भगवान के कथाओं को सुनने से हमारा हृदय निर्मल हो जाता है। जिस प्रकार हम लोग रोज स्नान करते हैं शरीर की गंदगी साफ करने के लिए, बराबर है, एक दिन नहीं नहाएंगे तो क्या होता है, अनुभव किया होगा आपने, किया बाहर पश्चिम के देशों में लोग हफ्ते में एक बार नहाते हैं, तो उन्हें लगता है आज बहुत बड़ा काम किया मैंने, आज नहाया मैं क्योंकि अपने अपने गुण के अनुसार लोग जीते हैं। आज सुबह में महाराज का प्रवचन सुना था, महाराज बता रहे थे कि ये नहाने के झंझट से बचने के लिए लोगों ने परफ्यूम निकाला है, तो परफ्यूम मार के आते हैं तो समझ में नहीं आता नहा के आया कि नहीं आया। ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री क्यों चल रही है, हमारे शरीर की गंदगी को छुपाने के लिए, बराबर है कि नहीं, ये तो शरीर हमारा बहुत अनेक अनेक मलम मूत्र और बहुत सारी चीजों से भरा हुआ है, हमने कई बार वर्णन किया है पिछले बार भी, ये चलता फिरता क्या है, गटर है उसमें आत्मा कैद हो गया है, और आत्मा इसी शरीर से मुक्त होने का चेष्टा करता है अनेक अनेक तरीकों से। तो कुछ लोग मुक्त होने के लिए आज गए होंगे चौपट, हफ्ते के छह दिन बेचारे भौतिक संसार से कष्टी और पीड़ित हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि चलो वो आवाज में बिल्कुल मन चाहिएगा, वहां कुकिंग नहीं हो रहा है, कुकिंग ऑलरेडी हो चुका है, डब्बे भर के रखे हैं वहां पे, तो कुछ लोगों का आवाज सुन के एक्सटेसी आ रहा होगा, फिस्ट पकड़ा लगता है, फिस्ट ऑलरेडी बन चुका है। तो कुछ लोग इस संसार से मुक्त होने के लिए क्या करते हैं, चौपाटे जाते हैं, आप भी पहले जाते होंगे ना, ये बहुत गया है चौपट और कुछ लोग अभी भी यहाँ क्लास में बैठ के सोच रहे होंगे अगर जल्दी क्लास खत्म हो जाए तो हमें भी मौका मिलेगा आज और कुछ लोग गए होंगे थिएटर में, कुछ लोग कहाँ, कुछ लोग कहाँ, अनेक अनेक जगहों पे गए होंगे, लेकिन जैसा कि श्लोक में कहा गया है, हम तब तक इस भौतिक जगत के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते जब तक हम लोग भगवान का नाम श्रवण कीर्तन नहीं करते, क्योंकि भगवान ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति हैं जो हमारे पापों को धो सकते हैं और कोई नहीं धो सकता। इसलिए शास्त्रों में प्रमुख तरीके से उनका नाम उच्चारण करने का उद्देश किया गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, इन्हें कहा गया है श्रवणम कीर्तनम, और किसी का नाम जो भी रहेगा यहाँ पे आपका वो ऐड नहीं किया गया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम कहा गया है, क्योंकि विष्णु या फिर भगवान कृष्ण या फिर उनके जितने भी अवतार होके गए हैं उनका नाम स्मरण उच्चारण करने से हम लोग अपने मन वाणी और सब कुछ पवित्र कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंध में बलि महाराज की कथा है, बलि महाराज जब वामन देव को बोलते हैं कि आप तीर पर भूमि ले लीजिए, और उसके बहाने से वामन देव सब कुछ हड़प लेते हैं बलि महाराज जी का, उनको कैद कर देते हैं, और शुक्राचार्य जी ने कहा होता है कि मैंने बोला था आपको इस वामन के, वामन यानी कि बोला उसके चक्कर में मत आना, ये भगवान विष्णु है, सब कुछ हड़प लेंगे तुम्हारा तीन पग में, तो सुना नहीं तुमने, सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद वो प्रसंग आगे बढ़ता है और अंत में भगवान जब बलि महाराज को कैद करते हैं फिर बाद में छोड़ भी देते हैं, और शुक्राचार्य शुक्राचार्य की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि शुक्राचार्य जी क्या गड़बड़ हो गया, जब आप यहाँ पे थे
है ना, आपके रहते हुए सब इतना गड़बड़ कैसे हो गया, सारा तो मैंने छीन लिया। तो उस समय शुक्राचार्य कहते हैं कि कोई गड़बड़ नहीं हुआ, जहां आपके नाम कीर्तन होता है वहां कोई भी चीज अधूरी नहीं रह जाती, क्योंकि उन्होंने यज्ञ स्टार्ट किया था भृगु कच्छप नर्मदा नदी के तट पर। वो यज्ञ करते हुए बीच में ये सब व्यवधान आ गया और यज्ञ अधूरा रह गया, उसमें बीच में आकर भगवान ने जमीन हड़प लिया, पूरा विश्व का बलि महाराज को कंगाल बना दिया, बोले सुतर लोक में चले जाओ। तो उस समय शुक्राचार्य बोले कि ये यज्ञ तो पूरा हो गया, क्यों पूरा हो गया, जहां आपके नाम का कीर्तन किया जाता है वो कोई भी कार्यक्रम हो वो पूरा होना ही होना है, वहां आपका जहां नाम कीर्तन हो वो कार्य अधूरा रह जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए बहुत सारे जितने भी यज्ञ अनुष्ठान आप करते हैं उसमें अंत में भगवान का नाम लिया ही जाता है, विष्णु का। अभी आप गणेश जी का विसर्जन करेंगे, आरती करेंगे, तो आप बोलते हैं ना लास्ट में हरे राम 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 हरे हरे, बोलते हैं ना हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और ये क्यों बोला जाता है, क्योंकि सबको पता है कि विष्णु ही मुक्ति दाता है और कोई मुक्ति नहीं दिला सकता। यहाँ तक कि कभी कभी हमको लोग व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं कि अरे आप शिव जी को देवता बोलते हैं, तो हमने कहा कहा देवता है, वो तो महाभागवत भक्त है, भगवान विष्णु के भक्त है, और जिसको मुक्ति चाहिए होती है उसके कान में भी शिवजी भगवान राम का ही नाम बोलते हैं। वाराणसी में हम जाएंगे, कहते हैं कि वाराणसी में जो भी शरीर छोड़ता है वो क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। लेकिन शिवजी क्या करते हैं, जो भी व्यक्ति शरीर छोड़ने वाला है उसके कान में जाके क्या बोलते हैं, श्री राम, और उसको मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए मुक्ति दाता केवल एक ही है, भगवान विष्णु। इसलिए यहाँ पे वर्णन दिया गया है कि उनके नामों का हमें कीर्तन करना चाहिए, उनके नामों का कीर्तन करने से, उनके कथाओं का श्रवण करने से हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा। और जिस प्रकार हम लोग रोज नहाकर अपने आप को साफ करते हैं, उसी प्रकार हमारा मन जो है इस भौतिक संसार के बहुत सारी चीजों के संपर्क में आने की वजह से रोज क्या होता है, कचरे से भर जाता है, काम क्रोध लोभ मोह ये सब हमारे मन में भर जाता है। तो उससे साफ होने का तरीका है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए डेली जो चैंटिंग करते हैं आप करते हैं वो चैंटिंग, सब लोग करते हैं, हाथ ऊपर किसी 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 डरे मत, बिल्कुल सब लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं। तो अगर नहीं कर रहे हैं तो जब स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वही एक है जो हमें साफ कर सकता है, बाकी कुछ साफ सफाई करने का साधन नहीं है इस कलयुग में। अगर हमें अच्छा बनना है, स्वच्छ बनना है, तो हमें वो उस दिन एक राधा श्याम प्रभु का वीडियो देख रहा था मैं, वो बोल रहे थे कि जिस प्रकार शरीर को नहीं नहलाते तो गंध आती है ना, उसी प्रकार मन को नहीं नहलाएंगे तो वहां से भी गंध आती है, काम क्रोध लोभ मोह की गंध आती है, तो उसको साफ करना जरूरी है। वरना हम लोग बाकी संसार में बहुत कुछ कर रहे हो लेकिन वो एक चीज ना होने की वजह से हमारा जीवन अधूरा रह जाता है। लोग कहते हैं मेरा जीवन कोरा कागज कोरा रह गया, भाई कोरा ही रहने वाला है, उसमें कुछ आप लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको लिखने के लिए प्लेन पेपर चाहिए जिसमें ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब जिस पेपर में ऑलरेडी बहुत कुछ लिखा हुआ है उसमें क्या लिखेंगे आप, अगर आपको ऐसा कोई पेज दिया जाए जिसमें भरपूर पहले से लिखा हुआ बोलेंगे लिखो इसके ऊपर, तो शायद ही कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो बोलेगा कि हाँ मैं लिखता हूँ इसके ऊपर, लिख ही नहीं पाएगा ना। पेपर कैसा चाहिए, साफ, जिसमें कुछ लिखा हुआ उस पर लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार हमारा जो भौतिक अस्तित्व है इसमें हमने बहुत कुछ लिख दिया है। अभी अगर किसी को यहाँ सामना खड़ा कर देंगे बोलेंगे बोलो तुम्हारी इच्छाएं क्या क्या है, 9 बजे तक कोई इच्छाएं चलती रहेंगी फिर भी खत्म नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि आकाश को अगर पेपर बना दिया जाए, समंदर के पानी को स्याही बना दिया जाए और उसे लिखने का प्रयास किया जाए तो भी आकाश कम पड़ेगा, समंदर का पानी सूख जाएगा, चंद्रमा पे जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए पानी। अभी गए हैं चंद्रमा पे पानी ढूंढने के लिए। तो इसीलिए हमको नित्य प्रतिदिन
भगवान की कथा सुननी चाहिए और नाम कीर्तन करना चाहिए, बहुत जरूरी है। और ये सब करने के लिए हमें भक्तों का संग चाहिए, बिना संग के बिल्कुल भी हमें नहीं कर सकते। इसीलिए आप जो यहाँ पे आते हैं हर रविवार में या फिर बाकी दिन भी आते हैं, मंदिर में आते हैं, सेवाएं करते हैं, आपके काउंसिल ग्रुप भी रहेंगे, नहीं रहेंगे तो आप लोग कनेक्ट हो जाइए। यहाँ पे कृपा माता जी हैं, हंसल माता जी किधर गए आज? रक्षाबंधन कब है? अच्छा एडवांस में कर रहे हैं तो, और दो तीन आशीष प्रभु पीछे बैठे हमारे, राजेश प्रभु आज आया नहीं, तो आप इन सब लोगों से संपर्क कीजिए और आने करें जो काउंसलिंग ग्रुप है उसमें जुड़ जाइए, और आपको आगे इसकी जानकारी मिलेगी क्या कार्यक्रम होते हैं मंदिर में, कैसे हमें रहना चाहिए एक भक्त के जीवन में, उस प्रकार का वर्णन। तो हम लोग श्रीपद रामाचार्य की कथाएं सुन रहे थे। इस कथाओं के क्रम में हमने लास्ट टाइम देखा कि किस प्रकार श्रीपद रामाचार्य बनारस से जीवित वापस कांचीपुरम लौट जाते हैं, राइट। और कांचीपुरम में आने के बाद यादव प्रकाश जी से मिलते हैं। यादव प्रकाश जी उनको देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं, जीवित आ गया ये बालक, मैंने तो इसे मारने की कोशिश किया था। फिर यादव प्रकाश उनको अपने पाठशाला में वापस बुलाते हैं, वापस पाठशाला में पढ़ाई चालू होती है, स्टूडेंट टीचर का यूनियन हो जाता है, वापस रीयूनियन, खुश हो जाते हैं, चलो हमारे टीचर और विद्यार्थी दोनों मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं। फिर हमने देखा था एक प्रसंग कि एक दिन वहां के जो राजा थे उनकी राजकुमारी को एक ब्रह्म राक्षस पकड़ लेता है और यादव प्रकाश जी को बुलाया जाता है उस राक्षस को हटाने के लिए, लेकिन वो ब्रह्म राक्षस मानता नहीं यादव प्रकाश से, उल्टा यादव प्रकाश को बोल देता है कि जाओ तुम्हारे खेमे में एक बहुत ही तेजस्वी बालक है रामानुज, उसके कहने पर मैं चला जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। और उस प्रकार में देखा था कि किस प्रकार रामानुजाचार्य उस ब्रह्म राक्षस को भगाते हैं और यादव प्रकाश को लगता है कोई तो मेरी लाश बचाए कम से कम, यार मैं नहीं कर सका, कम से कम मेरा शिष्य तो करके दिखा दिया। हालांकि उनको मन में थोड़ा दुख और गुस्सा था अपमानित होने का, लेकिन क्या करे अभी सबके सामने तो उसको प्रकट नहीं कर सकते, तो उन्होंने दबा लिया, ठीक है चलो आज के दिन थोड़ा सा सहन कर लेता हूँ, कल वापस मौका मिलेगा वापस अपनी होशियारी दिखा देंगे। संसार में हम लोग ऐसे चलते हैं ना, किसी ने कुछ बोल दिया चलो ठीक है कल देखते हैं आपको यानी कि कल हमारे मन में रहता ही है, आज नहीं हुआ तो कल देखा जाएगा। तो इस प्रकार यमुना यादव प्रकाश ये विचार करते हुए एडजस्ट कर लेते हैं और कुछ दिनों बाद जैसे प्रसंग आगे बढ़ता है, हाँ उसी के बीच में एक दिन क्या होता है, यमुनाचार्य कांचीपुरम से, सॉरी यमुनाचार्य श्रीरंगम से वहां पहुंच जाते हैं कांचीपुरम, जहां पे रामानुजाचार्य उनको मिलने हैं। लेकिन रामानुजाचार्य और यमुनाचार्य की मुलाकात नहीं हो पाती है, यमुनाचार्य को तुरंत आना पड़ता है श्रीरंगम वापस कुछ अर्जेंट आपकी वजह से। उसी समय यमुनाचार्य भगवान भरतराज से प्रार्थना करते हैं कि तुरंत क्या करो, यादव प्रकाश और रामानुजाचार्य दोनों को अलग कर दो, क्योंकि दोनों का संग अच्छा नहीं है। ये जो यादव प्रकाश है क्या है, अभक्त है, वो मायावादी है, भगवान को निराकार समझता है, बोलता है भगवान को कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, ऐसे इस प्रकार के नास्तिक व्यक्ति के साथ रामानुजाचार्य को रहना ठीक नहीं है, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दोनों को अलग कर दो। और उसके फलस्वरूप हमने देखा था कि पहले घटना होती है वो ब्रह्म राक्षस का एपिसोड, उसके बाद दूसरा और एक एपिसोड होता है कि एक दिन ऐसे ही गुरु और शिष्य बैठ के पाठ पढ़ रहे होते हैं रामानुजाचार्य और यादव प्रकाश जी, ये अब अंतिम एपिसोड है उनके जीवन का जो उनको हमेशा के लिए अलग कर देगा। तो जब एक दिन ऐसे ही यादव प्रकाश वेदांत के ऊपर व्याख्या कर रहे थे, वेदांत के ऊपर व्याख्या करते करते उन्होंने इस बार भी कुछ तो ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से यमुना रामानुजाचार्य उनसे नाराज हो गए। तो शास्त्र में आपने कई बार सुना होगा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या करके स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि ब्रह्म यानी कि भगवान सत्य है लेकिन ये जगत क्या है, मिथ्या है, ये जगत झूठा है। तो टेक्निकल भाषा में
इसे कहा जाता है कि एक्चुअली ब्रह्मा यानी कि भगवान तो सत्य है ही है, लेकिन जो भी भगवान से उत्पन्न होता है वो भी सत्य है। अब अगर आप देख रहे हैं ये यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है, राइट, ये माइक बना हुआ है, ये हारमोनियम बना हुआ है, ये सारे चीजें किससे बनी हुई है? भौतिक पदार्थों से बनी हुई है, राइट। जहां तक हमारा शरीर भी भौतिक पदार्थों से बना हुआ है, तो ये झूठा है क्या? झूठा है क्या? दिख रहा है ना तो सामने सच है ना? हाँ, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं वैसा नहीं है। समझे कि नहीं समझे? ये चीज पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु इन तत्वों से बनी हुई है, ये चीज सत्य है, लेकिन इसके जो बने हुए तत्व हैं, आज इससे हारमोनियम बना हुआ है, कल इसी चीजों से कुर्सी बन सकती है, कल कुर्सी को तोड़ मोड़ के वापस दीवार भी बन सकती है। यानी कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। जो शक्ति है भगवान की वो कभी निर्मित नहीं होती, पहले से निर्माण करके रखी है भगवान ने, और ना ही कभी वो नष्ट होती है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। समझे नहीं समझे? गणित है। सिंपल भाषा में कहने का अर्थ यह है कि जिस मिट्टी से मेरा शरीर बना हुआ है, जब मैं शरीर छोड़ दूंगा तो यही मिट्टी इस मिट्टी में जाके मिक्स हो जाएगी, उसी मिट्टी से और कुछ बनेगा फिर, लेकिन मिट्टी नष्ट नहीं होगी, मिट्टी वैसे ही रहेगी, क्योंकि वो शक्ति है भगवान ने बनाई हुई, वो नष्ट नहीं होती है। लेकिन यादव प्रकाश बोल रहे थे ब्रह्म सत्य, भगवान ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। बाकी असत्य क्यों है भाई? ये संसार दुनिया सब कुछ भगवान ने बनाया तो सत्य है वो, लेकिन वो कुछ समय के लिए दिखती है, जैसे ये भौतिक संसार में प्रलय होता रहता है ना, कुछ दिन तक ये संसार रहेगा, फिर इसका प्रलय होगा तो पूरा सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, फिर ब्रह्मा जी अपने नए दिन में शुरुआत करेंगे, वापस इसी चीजों से बिल्डिंग बनाएंगे, घर बनाएंगे, आपके सबके शरीर बनाएंगे, उसमें आत्मा को प्रवेश कर देंगे, राइट। तो ये सब रामानुजाचार्य ने कहा, तो अभी ये अंतिम था यादव प्रकाश के लिए। उन्होंने कहा बस बहुत हो गया, अभी आप क्या करो, नया टीचर ढूंढ लो, हम आपको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आप हमसे बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है। संसार में अगर हमसे कोई ज्यादा बुद्धिमान मिले तो हमें डाइजेस्ट नहीं होता है वो, हमसे ज्यादा अगर कोई तेज निकले और वो भी हमारा अगर शिष्य हो, राइट, तो वास्तविक अगर शिक्षक है तो उसे अच्छा लगना चाहिए, लेकिन ये वैसे नहीं थे ना, वो कंपटीशन कर रहे थे अपने स्टूडेंट के साथ। तो उन्होंने कहा कि बस हो गया, आज के बाद आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश, अब आप जाओ और आपका नया शिक्षक ढूंढ के निकालो। तो रामानुजाचार्य अपने माँ के पास गए और सारी घटनाओं का वर्णन बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो रामानुजाचार्य जब अपनी माँ से सुनते हैं, उनकी माँ जब सुनती है तो माँ बोलती है कि अच्छा हुआ, अब तुम क्या करो, अपने इस टाउन में कांचीपुरम में कांचीपूर्ण करके एक भगवान के महान भक्त है जो भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, आप क्या करो उनको अपना गुरु बना लो और उनकी सेवा में लग जाओ। और वो क्या है, वैष्णव भी है, एक वैष्णव के साथ में रहोगे, वैष्णव की सेवा करोगे तो क्या होगा, आपका कल्याण होगा। तो माँ ने जब कह दिया तो रामानुजाचार्य यही यहाँ पे यही लिंक लग जाती है पूरे इस आप देखेंगे अध्याय में, कांचीपूर्ण महत्वपूर्ण लिंक है अभी यहाँ से आगे बढ़ने के लिए। तो कांचीपूर्ण की सेवा में लग जाते रामानुजाचार्य, पहले से तो सेवा कर ही रहे थे भरतराज के मंदिर में, याद है आपको कौन सी सेवा कर रहे थे, पानी भर के लेके आते थे कुएं से भगवान भरतराज के लिए। तो उस दिन के बाद से जब माँ ने कहा कि बस हो गया, जरूरत नहीं आपको ये सब यादव प्रकाश जैसे यू नो मायावादी शिक्षकों के साथ संग करने का, आप क्या करो जाओ और कांचीपूर्ण की सेवा में लग जाओ। तो रामानुजाचार्य इस प्रकार कांचीपूर्ण की सेवा में लग जाते हैं। अब कुछ समय के लिए कैमरा फिर शिफ्ट होता है श्रीरंगम की तरफ, अभी कांचीपुरम में ये सब घटनाएं हुई, यहाँ पे यादव प्रकाश से रामानुजाचार्य अलग हो गए और दूसरी तरफ श्रीरंगम, आप लोगों को घटनाक्रम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक शहर है कांचीपुरम जहां पे कांचीपूर्ण एक आचार्य है जो वरदराज भगवान का मंदिर है कांचीपुरम में, उसकी सेवा में थे, वहां पे रामानुजाचार्य रहते थे, वहीं पे यादव प्रकाश की पाठशाला थी। और इस तरफ श्रीरंगम यहाँ से फिर 3-4 घंटे की दूरी पे है,
वहां पे यमुनाचार्य उनके अंतिम दिन आ गए थे यमुनाचार्य के। तो अभी इस अध्याय में आठवां अध्याय है अलवंदर, यानी कि यमुनाचार्य उनके आखिरी उपदेश अपने शिष्यों को देते हैं और इस जगत से विदाई लेते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है कि यमुनाचार्य कहते हैं अपने शिष्यों से, भक्तों से, कहते हैं कि गुड सोल्स लुक अपॉन द श्राइन ऑफ रंगनाथ एज योर वेरी लाइफ, द ग्रेट गॉड एंथ्रोन इन द श्राइन ऑफ योर सेवियर। कहते हैं कि आप क्या करो, रंगनाथ को ऐसे देखो कि वही तुम्हारे क्या है, सब कुछ है तुम्हारे जीवन के, सर्वे सर्वा है, और उनकी तरफ अपना ध्यान मोड़ो। जैसे सारे शिष्य सुनते हैं उनको अनक लग जाती है कि शायद अभी गुरु महाराज कुछ तो गंभीर चीज कह रहे हैं, हो सकता है कि ये अभी अपने शरीर को त्याग कर भगवत धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सारे शिष्य उनकी तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और यमुनाचार्य वहां पे एक आचार्य है त्रिरूपन अलवा करके, उनको कहते हैं कि आप इनकी तरफ देखिए मेरे बात, इनको अपना मेरे बात का मतलब इमीडिएट जो शिक्षा देने के लिए गुरु है ऐसा मान के इनके साथ आप व्यवहार कीजिए। हालांकि बनने वाले तो रामानुचार्य हैं, लेकिन अभी जस्ट इमीडिएटली। और इस प्रकार वर्णन करते हुए बहुत सारी आध्यात्मिक बातें करना चालू करते हैं कि आपको कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए एक भक्त को। तो उसमें से जो एक प्रमुख शिष्य थे वो कहते हैं कि लगता है आप हमें छोड़कर जाने वाले हैं, ये गलत बात है, आप हमसे पहले नहीं जा सकते भगवत धाम। तो जब यमुनाचार्य सुनते हैं तो कहते हैं कि आपको मुझसे ईर्ष्या हो रही है क्या कि मैं आपके पहले भगवत धाम जाऊंगा, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपसे पहले मैं भगवत धाम जा रहा हूं। तो ये ऐसा बहुत फ्रेंडली वार्तालाप है दोनों का, है ना। उस समय यमुनाचार्य ऐसे 10 इंस्ट्रक्शन देते हैं, 10 बहुत ही सुंदर उपदेश देते हैं अपने शिष्यों को। ये काफी बार बहुत सारी जगहों पे इनका विवरण आता है 10 महत्वपूर्ण उपदेशों का। इन सारे उपदेशों में से सबसे पहला उपदेश देते हैं कि प्रपन्नम मतलब क्या होता है, प्रपन्नम यानी कि शरणागति। सबसे पहला उपदेश अपने शिष्यों को सिखाते हैं शरणागति, मतलब वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने भी भगवान के ऊपर शरणागति दे दी है, भगवान को शरण आया है, उसको कैसे व्यवहार करना चाहिए। कहते हैं कि उसको बहुत सुंदर पुराना इंग्लिश है, कहते हैं कि he who has absolutely resigned himself to God, if after professing so he should not entertain doubts as to whether his soul is at the safe keeping of God। एक बार भगवान को आपने शरण कर दिया तो आपको कभी इस बात के ऊपर शंका नहीं करनी चाहिए कि सचमुच मैं सही जगह पे आया हूं क्या। एक बार राधा गोविंद मंदिर में आप आ गए और भगवान को आपने अपना दिल दे दिया, वापस नहीं मांगना होता है, एक बार दिया तो दिया। और भगवान ऐसे हैं जिसने एक बार लिया तो संसार के लोग ऐसे हैं कि आपने किसी को दिल दिया वापस दे भी सकते हो आपको, अगर उस दिल में पैसा धन दौलत पूजा लाभ प्रतिष्ठा कुछ नहीं रहेगा तो वापस दे देंगे। लोग भाई तुम्हारा हार्ट तो खाली है, इसमें कुछ मिला नहीं मेरे को। अरे नहीं नहीं तो प्रेम डाल के दिया था ना मैंने, हमको प्रेम नहीं चाहिए था, हमको तो देखना था कि तुम्हारा प्रॉपर्टी कितना है, कुछ पैसा है क्या तुम्हारे पास, कुछ इन्फ्लुएंशियल कॉन्टेक्ट है क्या, उसमें तो कुछ भी नहीं मिला, खाली है ले लो। तो लोग इस संसार के वापस दे देंगे आपके दिल को, लेकिन भगवान कैसे हैं, भगवान आपके दिल को जब लेते हैं तो उसमें केवल एक चीज देखते हैं, क्या देखते हैं वो, कौन सा भाव भगवान के प्रति, आज टमाटर का भाव क्या है। नहीं टमाटर का भाव उतर गया, मैं पूछा आज को बोली में कल जब मैं कह रहा था बोले 40 रुपए हो गया, मैं बोला संसार के पृथ्वी लोग के जीव सुखी हो गए हैं अभी, टमाटर के बिना जी नहीं सकते बेचारे, सुखी हो गया ना आप सब लोग, हाँ बोल रहे हैं, ऐसा खाली टमाटर खा रहे अभी, तो क्या हुआ, टमाटर सस्ता हुआ तो बाकी महंगा हो गया, आप लोगों को एसी ज्यादा लगेगा तो कम कीजिएगा, ज्यादा ही हो रहा लगता है यहाँ पे,
एसी रिमोट की तरह लेके आया है, दोनों है तुम्हारे पास। मैं वही कर रहा हूँ। हाँ तो एक बंद कर दो ये वाला सामने वाला कुछ समय के लिए, क्योंकि मेरे सिर को भेद कर अंदर जा रहा है, कुछ कवर भी नहीं है। और उधर के कम कर दो टेम्परेचर, और फिर एसी बहुत। उस दिन ही रिपेयरिंग किया ना वापस। सर पता रहता हूँ अंतर अंतर यानी इस हॉल के। तो एक बार अगर हमने भगवान को अपना दिल दे दिया तो अभी वो गाना है कौन सा है वो? जीना यहाँ सब गाने जानते हो, इसके सिवा जाना बराबर। और फिर दूसरा एक गाना है देख भाई आगे भी पीछे भी बाएं बाएं ऊपर ऐसी है, हर जगह क्या है माया है, केवल भगवान के शरण में रहोगे तो बचते रहोगे। अभी ठंडा हुआ कि नहीं हुआ? सॉरी मतलब गर्म थोड़ा हो रहा है ना, किया नहीं किया? कितना टेम्परेचर कितना है? 18 अरे इसको बोलते हैं रिवर्स कोपरी। अरे रिवर्स कोपरी नहीं, प्रभु मैं कम कर रहा हूँ, इससे नहीं हो रहा है। कम नहीं बढ़ाना है टेम्परेचर आपको, बढ़ाना है। हाँ समझ में आया इतने दिन से क्या मैं क्या आपको समझ में आया ना? इनको पीएचडी डिग्री देना चाहिए हार्वर्ड का। मैं प्रभु स्लो कर रहा हूँ, स्लो नहीं गर्म कर रहा है, वातावरण ठंडा हो गया ज्यादा। अभी चंद्रमा पे बर्फ मिल गई कह रहे हो, चंद्रमा में बर्फ ही बर्फ कहते हो। 25 पे लेके जाइए, ये बंद कीजिए, ये तो चालू है, ये बंद करिए और उन दोनों को 25 पे लेके जाइए। तीसरा भी चालू है पीछे, 1 2 3 4 ये बंद कर दीजिए ना, चालू है अभी, बंद हो गया ठीक है, हो गया बंद। टेम्परेचर वो वाला भी बढ़ाइए पीछे वाला, एक रिमोट उधर दीजिए भावेश, भावेश के पास हमारा सुविचार लिखने वाला भावेश। ये लो भावेश सुविचार बोले चार सुविचार भावेश। वो टेम्परेचर पूरा 25 पे लेके जाइए, 25-26 पे लेके जाइए, ये भी 25-26 की। ये तो कथा के बीच में ही आपको आपका दिल जमकर बर्फ जैसा हो जाएगा। ये पक्का बन गया है, बंद कीजिए ना फिर। अभी उनके हाथ में नहीं है दोनों, अरे एक यहाँ पे रखिए बोला मैं। अरे प्रभु आप एक लीजिए रिमोट, आपके पास एक, इनके पास एक लीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, दोनों मैनेज करेंगे उसको। अभी ध्यान दीजिए, टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए कि सब लोग कंफर्टेबली बैठ सके, वैष्णव की सेवा होनी चाहिए ठीक से, ठीक है। हाँ ये बंद कर दीजिए। तो इस प्रकार ये सबसे पहली चीज बोली गई है कि जब हम भगवान के पास आते हैं तो भगवान को जब हम अपना हृदय देते हैं तो उसमें डाउट नहीं करना चाहिए उसके बाद कि क्या भगवान मेरी रक्षा करेंगे, क्या भगवान मुझे जीवन में वो सब कुछ चाहिए वो देंगे क्या? अरे देंगे बाबा, लेकिन दो चीजें होती है, एक हमारी जरूरत और एक हमारी लोभ। भगवान हमारे लोभ को पूरा नहीं करेंगे, अभी भगवान हमारी जरूरत को पूरा करेंगे, क्योंकि लोभ ऐसी वस्तु है जो हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग रहती है लेकिन उससे हमारा क्या होता है, नुकसान होता है, राइट। इसलिए हम ये उम्मीद ना रखें कि भगवान हमारे लोभ को पूरा करेंगे, और हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मुझे ये इतना चाहिए था मिला ही नहीं। लेकिन पहले आप जाके देखो कि ये आपके लिए सही था कि गलत था। भगवान ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके लिए अच्छा है उसी को पूरा करेंगे, जो आपके लिए अच्छा नहीं है उसको पूरा नहीं करेंगे। इसलिए शास्त्रों से जानना जरूरी है कि भगवान हमें किस प्रकार प्रेम करते हैं। भगवान के प्रेम कर जैसे एक माँ होती है अपने बच्चों को कैसे प्रेम करती है, थोड़ी बच्चा जो बोलता है माँ देती है, नहीं ना, माँ वही देती है जो बच्चों को जरूरत है। बच्चा बोलेगा ये माँ ठीक नहीं है तो माँ तो एक ही है, चेंज तो नहीं कर सकता है ना कोई ऑप्शन भी नहीं है, चुपचाप बैठे रहो और सेवा करते रहो माँ की।
और जब तुम खुद कमाने लगोगे तो फिर पा लेना जो पाना है, राइट। लेकिन जब तक माँ के अंडर में हो तब तक माँ जो देगी वही लेना पड़ेगा, क्योंकि माँ को समझ है क्या देना है क्या नहीं देना है। इसलिए सबसे पहली चीज होती है प्रपन्नम, कि जब हम भगवान के पास आते हैं तो हमें डाउट नहीं रखना चाहिए कि अभी मैं सही तरीके से सही जगह पे आया हुआ नहीं है, सही जगह पे आया है। और कभी कभी क्या होगा कि कुछ कर्मों के ऐसे हमारे पूर्व जन्म के फेरे रहेंगे जो हमें परेशान करते रहेंगे, उससे विचलित नहीं होना है हमें कि अरे मंदिर में आया फिर भी ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो मंदिर में नहीं आता तो नहीं होता है क्या? तभी भी होता था ना। अभी मंदिर में आए हो तो कम से कम पता चल रहा है कि क्यों हो रहा है, ये भी बहुत बड़ी शांति का क्या है कारण है हमारे, पता चला कम से कम कि ऐसा होता है जीवन में हमारे पूर्व जन्मों के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से। मैंने आप लोगों को एक कथा सुनाई थी, वो मिस्टर जो की याद है क्या आप लोग? हाँ, वो कथा कभी मैंने पोस्टिंग नहीं की है, लेक्चर रिवाइंड करके सुनिएगा कि हमारे पूर्व जन्मों के हिसाब हमें नहीं पता लेकिन भगवान को पता होते हैं। हाँ, लेकिन एक बार भगवान के पास आए तो भगवान इतनी गारंटी जरूर लेते हैं कि आपके लिए जो कर्म उनके पास लेके जाने के लिए उपयोगी रहते हैं उन्हीं को देंगे, और आपसे दूर करने के लिए जो कर्म होते हैं उन्हें नहीं देंगे आप। जो भी आपके साथ होगा ना, ये विश्वास रखिए कि भगवान आपको उनके पास करीब और लाने के लिए ही आपको दे रहे हैं। ये सबसे पहली चीज है प्रपन्नम, राइट। तो इसीलिए ये सबसे पहली चीज करते हैं, कहते हैं अपने शिष्यों को। और दूसरा चीज कहते हैं dwell on the sense contained in the holy name नारायण, भगवान के नाम में जो अर्थ है उसके ऊपर आप जरा चिंतन कीजिए कि भगवान के नाम में क्या अर्थ है। दो सुंदर बहुत अर्थ देते हैं भगवान के नाम के। सबसे पहला कहते हैं कि we are in him, कहते कि हम उनमें हैं। भगवान का नाम जब हम जपते हैं तो हम क्या कहते हैं? भगवान हम क्या हैं? आप में हैं। we are in him and he is in us, और भगवान हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं और भगवान हमारे साथ हैं। संसार में आप नाम लेते हैं लोगों तो ऐसे बोलते हैं ना, नहीं क्या? लोग लेके जाते हैं गुलाब के फूल, हम आपके हैं और आप हमारे हैं, कौन किसका है तो समय ही बता देता है, बराबर है कि नहीं? हाँ, इधर भगवान के साथ ऐसा नहीं होगा। आप भगवान को फूल देंगे तो भगवान बोलेंगे आजा तू मेरा है, मेरा बच्चा है, राइट। और हमको इतना प्रेम देंगे अगर हम वास्तविक भगवान से प्रेम करने आए हैं तो। लेकिन अगर उस फूल के पीछे आपने लिखा होगा, गुलदस्ता देते ना भगवान, उसके पीछे लिखा होगा नौकरी में प्रमोशन, बीमारी ठीक कर दो, पड़ोसी के साथ झगड़ा दूर कर दो, डोनेशन रहेगा तो अलग बात है, लेकिन गुलदस्ते के पीछे बहुत कुछ लिखा रहता है। और फिर भगवान को लगता है कि हमको ऐसा लगता है कि भगवान को दिखेगा ना उधर क्या लिखा हुआ है, भगवान गुलदस्ता घुमाते तो अरे बाप रे इसमें तो ये सब कंडीशन है, नहीं चाहिए ले ले वापस लेके जा। संसार में आप लोगों से प्रेम करते तो यही देते है ना, वो रहता ना आपका LIC का पॉलिसी उसमें बहुत कुछ इतना इतना लिखा रहता है और नीचे रहता है स्टार। स्टार मतलब क्या? कंडीशन अप्लाई, इतना कंडीशन रहता है कि कोई पढ़ता भी नहीं उसको, इतना लिखा रहता है ये फलाना 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 फलाना। लोग बोलते हैं छोड़ो ना यार क्या पढ़ने का, ऐसा मिल रहा है ना अभी ले लो, बाद में देखो क्या होगा, अभी पॉलिसी कर लो और ठीक से काम नहीं हुआ तो पैसा वापस चला जाएगा सब। कहाँ गया हमारा वो दूसरा है नहीं आज, बोले का मेरा नाम बता देते हैं। तो इस प्रकार ये कहते हैं कि he is in us and we are in him, हम उनमें हैं और वो हमारे में है भगवान। तो इस दो शब्दों का भी अर्थ है, वो कहते हैं कि he is in us मतलब वो हमारे साथ है, इसका अर्थ है कि भगवान उनको हमें उनका कृपा देने के लिए बाध्य होना पड़ता है, समझे कि नहीं आप? जब हम उनके साथ हैं तो भगवान को क्या करना पड़ता है? आप जब भगवान के पास जाओगे और भगवान को बोलोगे कि आपकी कृपा दो, किस लिए? संसार को भोगने के लिए नहीं, उनकी सेवा करने के लिए या फिर भक्तों की सेवा करने के लिए। भगवान बाध्य हो जाते हैं, उनको देना ही पड़ता है, ना नहीं बोल सकते भगवान। ये भगवान के लिए क्या है? जैसे यशोदा मैया ने क्या किया था,
भगवान को बांधने का प्रयास किया और कोशिश किया बहुत, भगवान मना नहीं कर पाए उसको। देवकी वसुदेव ने भगवान को क्या बोला, आपको जन्म लेना पड़ेगा हमारे पुत्र के रूप में। भगवान मना नहीं कर सके। और बलि महाराज की कथा में भी हमने देखा कि बलि महाराज ने भले सब कुछ खोया लेकिन भगवान क्या बन गए बाद में, सिक्योरिटी गार्ड बन गए ना उनके घर के, घर के बाहर खड़े रह गए अनादिकाल के लिए सुतल लोक में। लड़का कोई सिक्योरिटी बनता है क्या? भगवान सिक्योरिटी बने। विचार कीजिए, एक बार जीव ने भगवान से प्रेम किया तो भगवान बाध्य हो जाते हैं उसको अपना प्रेम देने के लिए, राइट? ये पहली चीज है। और दूसरी चीज मतलब ही इज इन अस, मतलब वो भगवान हमारे हमारे साथ है तो भगवान को बाध्य होना पड़ता है। दूसरी चीज वी आर इन हिम, हम भगवान में है, इसका अर्थ ये होता है कि हम भगवान को पूरी तरह से विश्वास रख सकते हैं कि भगवान मेरे लिए क्या करेंगे, सब कुछ अच्छा ही करेंगे। और ये उम्मीद रखना, कभी कभी क्या होता है कि भक्त ये उम्मीद रखते हैं कि मैं भक्त बन गया हूं ना तो मैं बोलाऊंगा तो भगवान तुरंत आना चाहिए मेरे लिए। तो कभी कभी ऐसा होगा आप लोग डेस्परेशन में गाएंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे, लेकिन आप देखेंगे कुछ नहीं हो रहा है। मुझे सर्दी हो गया था, मैंने महामंत्र बोला लेकिन सर्दी गए नहीं अभी तक। तो ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि भगवान मतलब भगवान बाध्य हो जाते हैं उनका प्रेम देने के लिए, वो उनकी तरफ से है लेकिन हमारी तरफ से हम भगवान को बाध्य नहीं बना सकते, समझे कि नहीं? आप हमें नहीं बोल सकते आप फोन किया तो भगवान आने चाहिए। अरे भगवान के बहुत सारे भक्त हैं, भगवान कहाँ कहाँ बिजी रहते हैं बेचारे, साइमल्टेनियसली कितने भक्त फोन करते रहते हैं उनको, कितने लोगों से मिलते हैं पूरे ब्रह्मांड में विश्व में, उनके पास समय नहीं रहता कभी कभी। ऐसा सोच के हमें भगवान माफ कर देना चाहिए, भगवान ठीक है आप बिजी हो ना उधर दूसरे भक्त के साथ आप कर ले जाए। शबरी की कथा सुनी है ना आपने, शबरी ने कितना देर इंतजार किया, 35,000। हम 35 दिन भी कर पाएंगे क्या? ये एडवांस वर्जन है, 35 घंटे बोल रहे हैं, ये मून पे जरूर पहुंचेगा, मून लैंडिंग। तो हमें भगवान के ऊपर विश्वास रखे सबर रखना चाहिए और तुरंत तुरंत देंगे, अभी बोल दिया तुरंत मेरा सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, नहीं। अरे आप भी आपका प्रेम अगर दिखाना चाहते हो तो आप भी सहन करो ना थोड़ा। अगर हम अपना प्रेम किसी व्यक्ति को दिखाना चाहते हैं तो हमें भी सहन करना सीखना चाहिए ना। आज एक दिन आपके फेवरेट सब्जी नहीं बना घर पे तो क्या हुआ, कल बनेगा, कल नहीं बना तो क्या हुआ, परसों बनेगा। किधर गया तुषार, आए नहीं हो आज? उसको पता था सब्जी वाला एग्जाम्पल देने वाले हो, होता है ना ऐसा घर पे नहीं होता है यार, ऊपर होता है कि नहीं होता है। ठाकुर जी के पसंद का बनेगा तो हमें खुश होना चाहिए, हमारी पसंद का कभी भी बन सकता है, ठाकुर जी के पसंद का रोज बनता है क्योंकि ठाकुर जी को सब पसंद है, जो भक्त बनाते हैं वो सब पसंद आता है उनको, चाहे करेले की सब्जी हो या गोभी की सब्जी हो कुछ भी हो। ऐसा हमको धीरे धीरे भाव लाना चाहिए, लेकिन हम भाव लाते हैं तुरंत तुरंत, आज मेरा काम होना है, चुटके में काम होना चाहिए। आजकल संसार में क्या है कि पेशेंस नहीं लोगों के पास, बटन दबा दिया सब चालू हो जाता है ना, बटन दबा दिया गर्म हो गया थोड़ा सा, बटन दबा दिया ठंडा हो गया। वैसे जीवन में ऐसे बहुत सारी चीजें जो बटन दबाते हुए नहीं सॉल्व होगी। आपने सोचा होगा बटन दबा दिया प्रॉब्लम कायम, छुमंतर ऐसा होता है? तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। और ये यहाँ पे स्पेशली कह रहे हैं कि हमें भगवान को ऐसा नहीं कि तुरंत एक झटके में अभी मैंने बोल दिया तो आना ही चाहिए, नहीं आएंगे, इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपना प्रेम बंद कर दें। अरे संसार में आप कितना सहन करते हैं, करते कि नहीं करते, कितना एडजस्ट करते हैं, करते नहीं करते? घर परिवार में जब हम रहते हैं तो कितना एडजस्ट करना पड़ता है भाई, जहां दो व्यक्ति साथ में रहते हैं तो एडजस्ट करना पड़ता है ना। तो भगवान के साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की सीख लो ना, और वो भी भगवान इसलिए कह रहे हैं आपके भले के लिए कि थोड़ा सा सहनशीलता सीखो, राइट? ये दूसरी चीज बताते हैं।
और कहते हैं, उसी में कहते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य कुछ भी नहीं, केवल एक है, क्या है? उनकी सेवा करना, बस। अब उनकी सेवा में कभी दुख भी आएगा, कभी सुख भी आएगा, सेवा करते रहना है। और तीसरी चीज कहते हैं, व्हाट आर आवर मींस एंड व्हाट आर आवर गोल। हमारे जीवन का जो लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, राइट, उसके लिए साधन क्या है? गुरुजनों की सेवा, वैष्णव की सेवा, ये हमारा साधन है। इस साधन के मदद से हम लोग भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, दूसरा कोई चारा नहीं। ये सब इंस्ट्रक्शन दे रहे, तीन इंस्ट्रक्शन मैंने बताया बेटे। पहला क्या था? क्या? समर्पण, प्रपन्नम। भगवान को कैसे समर्पण करना चाहिए? बिना किसी स्वार्थ के, स्वार्थ के विश्वास रखना चाहिए कि भगवान जो करेंगे सब कुछ ठीक ठाक करेंगे। दूसरा, भगवान का जो नाम है, जो हम नाम जप करते हैं उसमें यह अर्थ है कि आप हमारे हैं, तो आप जो रोज जपा करते हैं उसमें आप ये बोलते रहते हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। ये जप का अर्थ है, क्या है? हम आपके हैं, हम आपके, पिक्चर देखना नहीं है आपको, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। ये आप भगवान को बोल रहे होते हैं। दिन में कितनी बार बोलते हैं? 16 माला जब करते हैं तो 1700 कुछ तो 58 बार होता है, मतलब 1000-2000 बार बोलते हैं आप, हम आपके हैं, आप हमारे, हम आपके हैं, आप हमारे। तो इतना बोलेंगे रोज तो फिर भगवान सोचेंगे ना, यार कितनी बार इसने कहा है हम आपके हैं, आप हमारे हैं, तो आपके सुख दुख में भगवान आएंगे। लेकिन हमें ये नहीं कहना चाहिए कि अभी तुरंत, अभी बोल दिया तुरंत भगवान क्यों नहीं आए, वेट, आएंगे, भगवान बिजी हैं, अभी दूसरे भक्त को अटेंड करने के लिए गए हैं, यू नो, कहीं किसी भक्त को ज्यादा अर्जेंट जरूरत है उधर चले गए, वो आएंगे आपके पास, पेशेंस रखिए। इस तरह से हमें, ये दूसरा चीज था। और तीसरा चीज, हमारा जो उद्देश्य है जीवन में भगवान को प्राप्त करना, वो संभव होगा हमारे गुरुजनों की सेवा करके, राइट। यानी कि जो हमारे सेवियर्स हैं, हमको बचाने वाले कौन है? श्रील प्रभुपाद है, हमारे गुरु महाराज है, राइट, और वैष्णव। ये हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज हैं, जो हमारे एक्चुअली बाद में कहते हैं कि यही तुम्हारे जीवन के उद्देश्य है और यही तुम्हारे लक्ष्य भी है। उन मतलब जीवन का उद्देश्य क्या है? गुरु की सेवा करना। वहां तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है? गुरु की सेवा। यानी कि गुरुजन, वैष्णव और भक्तों की सेवा, यही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, वही हमारा रास्ता है। यानी कि आज हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं और जो हमारा लक्ष्य है, वो दोनों अलग अलग नहीं है। प्रभुपाद को पूछा गया था कि महामंत्र का जप करने के बाद क्या हमें मिलेगा, तो हमें से बहुत सारे लोग सोचते होंगे यार 16 माला करनी पड़ती है, यहाँ पे मैं जब गोलोक में जाऊंगा तो 16 माला बंद, तो गोलोक पहुंचने के लिए 16 माला कर रहा हूँ ना मैं, थोड़ी गोलोक में जाकर 16 माला करना है, वही रोज अपना काउंटर खींचते रहो, ऐसे बहुत सारे लोग लगता है क्या? हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ लोग सोच रहे हैं ऐसा। 16 माला भौतिक जगत में रहते हुए करना है, एक बार वैकुंठ में एंट्री कर गया, अभी नया निकलना पड़ेगा वैकुंठ यान में, जिस चंद्रयान ने करना आप लोगों ने, वैकुंठ यान निकालना पड़ेगा मुक्ति, आज से माला खत्म। तो प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद को जो प्रश्न पूछा, तो प्रभुपाद ने कहा कि चैंटिंग करने का उद्देश्य है और चैंटिंग करना। चैंटिंग करने के बाद हमें क्या मिलेगा? प्रभुपाद बोले, खुशी खुशी बोले, और चैंटिंग करेंगे हम, क्योंकि चैंटिंग करने का उद्देश्य, चैंटिंग मतलब क्या है? हम आपके हैं, आप हमारे हैं। एक बार किसी से प्रेम हो जाएगा तो आप थकेंगे नहीं बोलकर, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, थक नहीं थकते ना। अजीब लोगों ने किया होगा कॉलेज में थोड़ा बहुत यहां वहां। अब प्रॉब्लम यह है संसार में कि वो क्षणिक रहता है। आज हमने बोल दिया आप हमारे हैं, सॉरी हम आपके हैं, आप हमारे हैं, बाद में कुछ उल्टा उल्टा हो सकता है उसमें, हम आपके हैं बट आप हमारे हैं कि नहीं, डाउट आ रहा है हमें। भौतिक जगत में ऐसा होता है, या फिर उसका भी रिवर्स हो सकता है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा प्रेम भगवान के ऊपर रहेगा और भगवान का प्रेम हमारे ऊपर रहेगा, राइट।
इसीलिए जो आध्यात्मिक क्रिया करेंगे वही हमारा मतलब आज जो आप क्रिया करते हैं ना, जहाँ बैठकर या घर में जाकर जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, आप लोग वास्तविक दृष्टिकोण से वही कर रहे हैं जो आपको वहां जाकर करना है। कुछ बदल नहीं होगा, सिर्फ बदल इतना होगा कि आज यहाँ पे आपको अनेक अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन सेवाओं को करते हुए, वहां ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। वहां बोलेंगे आज 64 माला करना है तो फिर आराम से होगा, नींद नहीं आएगा, क्योंकि आध्यात्मिक शरीर का जो प्रकोप है वो वहां पे नहीं रहे, सॉरी भौतिक शरीर का जो आहार निद्रा भय बेचैनी सब जो समस्या है वो वहां नहीं रहेगी। आध्यात्मिक शरीर में 24 घंटा सेवा करते, 24 घंटा सेवा करते रहो, कितना अच्छा लगेगा। नहीं एक्स्ट्रा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है, हम में से किसी को नहीं आ रहा है, लेकिन इनको जरूर आता है। तो हम एक्चुअली आज कभी कभी आप सोचते होंगे कि अरे यार ये कितना नींद आता है, नींद मतलब क्या है, 12 घंटे बर्बाद रात के। अगर कोई 12 घंटे सोता हो तो मिनिमम 8 घंटे सोते हैं ना, मतलब 8 घंटे क्या है जिंदगी के रोज के वेस्ट है ना। वो क्या होता है, हम लोग सोते हैं क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, अचेत हो जाते हैं। जैसे कोई बहुत किसी ने जहर पिला दिया, अचेत हो गए 8 घंटे के लिए, ये शरीर का ऐसा कष्ट है। तो आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद खत्म हो जाएगा। इसलिए दूसरी चीज, तीसरी चीज कही, चौथी चीज कहते हैं आप क्या करो, कहते हैं कि फाइंड योर टेम्पल ऑफ ब्लिस इन द तिरु मंत्र, योर टेम्पल ऑफ फ्लावर्स इन द चरम श्लोक एंड योर टेम्पल ऑफ बाउंटी। कहते हैं कि जो भगवान का दिव्य मंदिर है, भगवान की सेवा है, उसमें अपना क्या मानो, अपने जीवन का आनंद मानो। इसके अलावा बाकी चीजों में आनंद ढूंढने का प्रयास मत करो। प्रहलाद महाराज कहते हैं भागवत के सप्तम स्कंद में कि अगर आपको संसार में सुखी होना है तो संसार में सुख ढूंढना बंद कर दो, अपने आप सुखी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि सुख तब तक होता है जब तक वो चीज आपके हाथ में नहीं आती। सुख केवल, हमने कई बार कहा है, सुख केवल किसमें है, प्लानिंग में। प्लानिंग करते हैं आप लोग, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और आपके मन में चलता रहता है। एक बार वो चीज हाथ में आके खत्म हो गया, उसका आनंद खत्म हो जाता है, वो चीज मिलने तक ही आनंद है। इसीलिए कह रहे हैं, अभी जैसे आप लोग सोचते हैं कि मैं होटल में जाऊंगा ये खाऊंगा तो एक्साइटमेंट रहता है दिन भर, आज होटल में जाके खाना है। जैसे होटल में बैठ गया खत्म, समय पता नहीं चलता, वेटर बिल लेके आता है, इतना बिल हो गया। अभी अगले जो थोड़ा भी एक्स्ट्रा ओवर टाइम किया था, ड्यूटी वाला जो भी था, सब पैसा चला गया। इसीलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि सुख ढूंढने का प्रयास मत करो, अपने आप सुखी हो जाओगे, क्योंकि सुख ढूंढने में कष्ट है ना संसार में। सुख ढूंढने के लिए तो हम लोग कष्ट पाते हैं, ढूंढने का प्रयास मत करो, जो रहेगा अपने आप आएगा, नहीं आएगा तो अपना भजन करते रहो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। इतना सब ये चार उपदेश देने के बाद उनके शिष्य कहते हैं कि अरे गुरु महाराज, हम जैसे कीड़े मकोड़े अगर मर भी जाए है ना आपकी सेवा करते करते, तो क्या नुकसान होने वाला है आपका। यानी कि बता रहे हैं यमुनाचार्य को उनके शिष्य, हमारे कुछ औकात ही नहीं है आप जैसे महान गुरु के सामने। तो यमुनाचार्य जब सुनते हैं कुछ नहीं बोलते, चुपचाप रहते हैं। क्यों? सोचते हैं कि अगर मैं कुछ बोला तो हो सकता है कि मेरा गर्व सामने आ जाएगा, हाँ हाँ तुम तो कीड़े मकोड़े जैसे हो, मैं तो महान गुरु हूं, इसलिए चुप बैठते हैं, ये सोचकर कि मेरे अंदर गर्व ना आ जाए। देखिए ये महान आचार्य जो रहते हैं कितना सावधानी से अपना जीवन बिताते हैं। हम में से किसी को भी थोड़ा किसी ने कुछ बोल दिया तो तुरंत ऐसा टॉलेट कॉलर टाइट हो जाता है। नहीं, लेकिन वही तो हमारी समस्या का कारण है, दुख का कारण है, कि दूसरों ने अगर स्तुति की तो हम उसमें आनंद ढूंढते हैं, दूसरे ने बुराई की तो हम उसमें गुस्सा आता है तुरंत, सामने वाले की बुराई ढूंढने का प्रयास करते हैं हम लोग। लेकिन यमुनाचार्य वो स्पेशली ऐसे समय में जब वो शरीर छोड़ने वाले हैं भौतिक जगत से, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमें कोई भौतिक प्रलोभन आकर्षित ना कर ले। तो इस प्रकार जब शिष्य चार उपदेश सुनते हैं, और छह उपदेश बाकी है और अगले 5 मिनट कवर कर देंगे उसमें, तो उनके शिष्य कहते हैं कि हम अगर आप इस तरह से चले गए हमको छोड़कर, अरे भाई उसको वापस आने भी देना अंदर
आराम से भावेश ठीक है ना, बैठ जाओ। तो उनके शिष्य कहते हैं कि अगर आप इस तरह से हमें छोड़ के जाओगे ना, हम शरीर छोड़ के हम आत्महत्या कर लेंगे, ये सारे शिष्य कहते हैं। तो उस समय रामानुजाचार्य एक सुंदर चीज कहते हैं, पांचवी चीज कहते हैं कि मेरे जाने के बाद आप लोग भगवान रंगनाथ की सेवा आपको त्यागना नहीं है, आपको उनकी सेवा क्या करना है, करते रहना है। एक बार आपने भगवान को आपके जीवन में बुला लिया है, घर में आप लोगों ने बहुत सारे अर्चक विरम होंगे, उनके भगवान की सेवा करते रहेंगे। एक बार आपने भगवान का सेवा करने का निश्चय किया तो सेवा आपको छोड़ना नहीं है, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि जब तक हम भगवान का नाम कीर्तन और कथा नहीं सुनेंगे तब तक बाकी सेवा करने के लिए उत्साह कभी नहीं आएगा जीवन में। इसीलिए कुछ शिष्य ऐसे थे श्रील प्रभुपाद के, प्रभुपाद कहते हैं कि कभी कभी जो इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते हैं, बड़े बड़े अर्च, अभी इनकी सेवा कितनी होती है, राधा गोपीनाथ जी की सेवा कितनी, 6 बार भोग लगता है भगवान को, भगवान का श्रृंगार बदलता है रात को सुबह, है ना, कितना सेवा है, आप समझते कि नहीं। तो कुछ भक्त प्रभुपाद कहते थे कि कभी कभी आपको क्या लगेगा, ये अर्च विग्रह नहीं, गल ग्रह है, गल ग्रह मतलब गले में गुरु लटका के चले गए, है ना, इतना बड़ा बोझ मेरे सर में लगा के चला गया। अरे भाई बोझ नहीं हो, और बोझ लगेगा जब हम भगवान का नाम कीर्तन ठीक से नहीं करेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, शास्त्रों से नहीं समझेंगे कि क्या दिया है हमारे गुरु ने हमको, राइट। इसलिए यमुनाचार्य यहाँ पे कहते हैं कि आप उनकी सेवा नहीं छोड़ सकते, अगर आपने इस तरह से सेवा छोड़ी तो आप मुझे प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, और मैं प्रसन्न नहीं हुआ तो आपका जीवन वैसे बर्बाद हो गया, क्योंकि जब गुरु प्रसन्न नहीं होंगे आपके ऊपर तो आपका जीवन क्या हो गया, सफल हो नहीं सकता, आप कितना भी कुछ करें आपका जीवन सफल नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि आप ये सेवा नहीं छोड़ सकते। और छठी चीज कहते हैं उसके बाद, कहते हैं कि गॉड एंड गॉड सर्वेंट्स आर इक्वली पावरफुल, भगवान और भगवान के भक्त क्या है, दोनों समान रूप से प्रभावशाली है। आप जो रिजल्ट भगवान की भक्ति करके प्राप्त करते हो वही भगवान के भक्तों की सेवा करके प्राप्त कर सकते हो। इनफैक्ट कभी कभी भगवान के भक्तों की सेवा करके हम भगवान की सेवा करने से भी ज्यादा बल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के भक्तों में उतना पावर है। आप कभी कभी गोपीनाथ के सामने जाएंगे, गोपीनाथ आपको सुनेंगे नहीं कुछ, लेकिन आप प्रभुपाद के सामने जाएंगे, आप देखिए आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो कभी प्रभुपाद आपकी बात सुन लेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जानते हैं आप कितना संघर्ष करके आए हैं, राइट। हो सकता है कि भगवान आपको ना देखे, भगवान बोले मैं तो इसको नहीं जानता हूं, लेकिन प्रभुपाद बोलेंगे यार मेरे मंदिर में आए हैं, प्रभुपाद का मंदिर है ना, थोड़ा गोपीनाथ जी का मंदिर है। मंदिर किसका है, डर क्यों रहे आप लोग, आप बोलेंगे कॉन्फ्लिक्ट कर दिया आपने तो गोपीनाथ और प्रभुपाद के बीच में, ये मंदिर किसका है, गोपीनाथ जी का नहीं है। ये मंदिर प्रभुपाद जी का है, और प्रभुपाद जी जो बोलते हैं वो भगवान को सुनना पड़ता है चुपचाप। अब वृंदावन में आपने देखा होगा जो राधा रानी बोलेगी कृष्ण को चुपचाप सुनना पड़ता है, राधा रानी बोलेगी ये टाइम पे आना है तो कृष्ण को टाइम पे आना ही पड़ेगा मिलने के लिए, नहीं आए तो फिर 2 दिन कट्टी। ये जुड़न यात्रा मतलब क्या है, ये सब बहुत ही हाई लेवल के पास्ट टाइम है इसलिए मैं डिस्कस नहीं करता हूं, लेकिन यू नो वृंदावन में ऐसी स्थिति है कि राधा रानी कई बार प्रयास करती है कि जितनी भी गोपियां हैं यू नो वो एक एक गोपी को बुलाती है कि आ जाओ तुम और भगवान के साथ झूले में बैठो, और खुद दूर हो जाती है। राधा रानी का भाव है, इसलिए भगवान के भक्तों के साथ यू नो एक बार एक लीला है वृंदावन में, जो एक बार राधा रानी लेट हो गई, कुछ तो ऐसा हो गया, कृष्ण लेट हो गए तो राधा रानी गुस्सा हो गई, तो हमारे महान भक्त नारद मुनि जो इस दिव्य भौतिक जगत में भगवान का दिव्य संदेश फैलाते हैं और आध्यात्मिक जगत में भगवान की लीलाओं में सहायता करते हैं, उन्होंने क्या किया, कृष्ण को कहा कि आप बैठो यहाँ पे
और ललिता सखी को बुला के बिठाया झूले पे और झुला दिया दोनों को, और फिर राधा रानी को बुलाया, देखो देखो क्या हो रहा है वहां पे। तो क्या हो गया, मिर्ची लग गई, मतलब आध्यात्मिक राधा रानी गुस्सा हो गई, सब क्या हो रहा है। हालांकि राधा रानी चाहती है कि सखियां भगवान के साथ श्रृंगार करे, विहार करे, झूले में झूले, और कई बार प्रयास करती है उनको मिलाने का। तो यही भाव भगवान के भक्तों का होता है। भगवान के भक्त जो होते हैं, खास करके श्रील प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज, वो चाहते हैं कि हम भगवान के पास पहुंचे, इसलिए वो इतने कष्ट उठाते हैं, पूरे संसार में प्रचार करते हैं। प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो उनको दो हार्ट बार हार्ट अटैक आया, सी सिकनेस हुआ। सी सिकनेस मतलब समझते हैं आप क्या होता है, कभी आप मुझे रहता ना, क्या बोलते हैं उसको, झूला क्या रहता है, चक्की पालना बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप, हाँ, उसमें आप जब ऊपर से नीचे आते तो कैसा लगता है, कुछ मेरे को भी ऐसा होता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि खत्म हो गया, गिरने वाला हूं मैं। तो 70 साल के प्रभुपाद इतने आयु के थे, कोल्ड पानी में कंटिन्यूस ऊपर नीचे ऊपर नीचे हिलती है, कैसा लगा होगा, विचार कीजिए, ऐसा सब कुछ सहन कर दो। प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे, अमेरिका गए तो ऐसा नहीं था कि उनके लिए गुलाब से फूलों से भरा हुआ कारपेट था, आइए स्वामी जी प्रचार कीजिए। आजकल हम लोग कहीं भी जाते किसी मंदिर में तो क्या होता है, स्वागत होता है ना हमारा, प्रचारक लोग जाते हैं तो। अरे हमने एक क्लास चालू किया था, कितने दिन हो गए आज, कितने, 1 साल हो गया ना, 8 महीना, 1.5 साल हो गया क्या। देखिए 1.5 साल में आप लोग कितनी संख्या में कथा में बैठे हुए हैं प्रभुपाद जी के मंदिर में। अब प्रभुपाद जी 1 साल तक प्रचार कर रहे थे अमेरिका में, किस किन लोगों, शराबी ड्रग्स लेने वाले, उन लोगों को प्रचार कर रहे थे। और ऐसा नहीं था कि लोग, एक बार तो ऐसा हुआ कि प्रभुपाद खुद कुकिंग करते थे, कुकिंग करने के बाद खुद प्रसाद खिलाते थे भक्तों को, भक्त नहीं थे वो, मतलब आते थे ऐसे प्रोग्राम में लोग, उनके जाने के बाद उनका थाली भी धोते थे, विचार कीजिए। और ऐसे कई महीने जाने के बाद एक व्यक्ति ने सामने जाके पूछा, स्वामी जी मैं आपको कुछ मदद कर सकता हूँ क्या। प्रभुपाद बोले, पिछले 6 महीने से मैं यही इंतजार कर रहा था कि कोई कभी कुछ बोलेगा क्या, कि कुछ मैं मदद कर सकता हूँ क्या। तो फिर उस प्रकार धीरे 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 सेवाएं चालू हो गई, है ना। प्रभुपाद ने फिर ट्रेन किया लोगों को, कुकिंग कैसे करना है, बर्तन कैसे धोना है, पूरा जीरो से चालू किया है। तो ऐसे भक्त भगवान के प्रिय होंगे कि नहीं होंगे, विचार कीजिए आप, है ना। और ऐसे भक्तों से जब हम विनती करते हैं कि भगवान कि हमें कृपा दे दो, तुरंत मिल जाएगी आपकी कृपा। इसलिए गोपीनाथ जी से ज्यादा कृपा आपको कहां से मिलेगी, प्रभुपाद जी से मिलेगी, गुरु महाराज से मिलेगी, और जितने भी वैष्णव है उनकी सेवा करने से मिलेगी। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान और उनके भक्त दोनों पावरफुल है। इनफैक्ट भगवान के भक्त ज्यादा पावरफुल है भगवान से। एक बार भगवान मना कर दे, लेकिन भगवान के भक्त मना नहीं कर पाते। एक बार भगवान के भक्तों के आप लोग संपर्क में आ गए तो आपका भौतिक जीवन समाप्त हो गया, सफल नहीं हुआ, मतलब सफल तो मतलब आध्यात्मिक में शामिल हुआ तो। ये नेक्स्ट कथाकार है मेरे पास। जैसे सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे नैमिषारण्य में, सॉरी गंगा के तीर पे, वहां पे सुत गोस्वामी दूर बैठे थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास सुत गोस्वामी का नंबर है। तो आप सब कथा करते हैं, करते आ रहे। तो इस प्रकार ये छठी चीज कही। सातवीं चीज कहते हैं, कभी भी किसी सेवा करने के लिए उसका क्रेडिट मत लो। हम लोग कई बार सेवा करते हम क्या करते हैं, क्रेडिट लेते हैं, मैंने सेवा किया है, मैं कुछ स्पॉन्सर किया या फिर मैं कुछ सेवा दिया, 2-4 घंटा मैं झाड़ू किया, पोछा किया। और आपके अंदर जो भी लोग सेवा कर रहे हैं उनका भी श्रेय आप नहीं लेना चाहिए। अरे वो जितने भी लोग हमारे अंदर सेवा करते हैं वो थोड़ी आपके नौकर है, वो किसके नौकर है, भगवान के नौकर है, हमारे नौकर थोड़ी, हम सब मिलके भगवान के नौकर है। इसलिए प्रभुपाद जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के गुरु महाराज, जब भी उनका शिष्य कोई उन्हें दंडवत करता था तो बोलते थे दासोस्मि, रिप्लाई में कहते कि मैं आपका सेवक हूं। और प्रभुपाद जी उनके कई बार व्यास पूजा में, प्रभुपाद जी की व्यास है ना, सॉरी
उनकी गुरु महाराज की जो व्यास पूजा होती थी भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी की, जब प्रभुपाद अमेरिका में थे व्यास पूजा करते थे वेस्ट में, तो प्रभुपाद अपने शिष्यों को देखकर कहते थे कि आप सब लोगों को मेरे गुरु महाराज ने भेजा है मुझे सहायता करने के लिए, उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। ये नहीं सोचते थे अरे मेरे नौकर है, चार लोग झाड़ू मारो इधर, चार लोग इधर पोछा मारो, चार लोग प्रसाद बनाकर पेट लेके आओ, नहीं, ये भाव नहीं था। उसे शुद्ध भक्त कहते हैं, राइट, इसलिए हमें क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, कहते हैं। उसके बाद आठवीं चीज कहते हैं कि आप जो भी सेवा देते हैं उसके बदले में रिटर्न में कुछ भी अपेक्षा मत रखिए। जब हम सेवा देते तो यहां पे कैसे हमें सेवा देना चाहिए भगवान को, बिना किसी स्वार्थ के। ये नहीं विचार रखना चाहिए कि आज मैंने भगवान को 1 रुपया डोनेट किया तो कल मुझे, लोग सोचते हैं 100 रुपया मिलेगा। तिरुपति बालाजी में लोग आते कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, 50-50 है भगवान, 50 दे रहा हूं मैं, अब 50 कितना है उसको ही मालूम रहता है, लेकिन अपेक्षा रखते हैं गणपति के पास जाकर एक नारियल दूंगा मुझे गाड़ी दे देना, होता है ना। अभी आएगा आपको गणपति आएगा तो आप लोग क्या क्या करेंगे, बाप रे कहाँ कहाँ जाएंगे, लाल बाग जाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, किसके लिए, ये उम्मीद रखकर कि मैं कुछ करूंगा उसके बदले में मुझे इतना कुछ मिलेगा, कुछ उम्मीद नहीं रखना है। एक ही चीज याद रखना है, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, ये नया महामंत्र नहीं है। तो कल से आप जपेंगे। वो महामंत्र में अर्थ है, क्या अर्थ है, हम आपके हैं, मतलब क्या है, हमारा पूरा जीवन आपके लिए समर्पित है, पर आप हमारे हैं, मतलब ये नहीं कि हम जो बोलेंगे आप वो करेंगे, आप हमारे हैं इसलिए हम आपकी हर स्थिति में सेवा करने के लिए तैयार है, राइट। ये आठवीं चीज बोलते हैं। फिर नौवीं चीज कहते हैं, फिक्स योर हार्ट ऑन द लॉर्ड रंगनाथ, ही इज योर सोल एंड एन एम। लास्ट में फिर अंतिम अंतिम बोलते हैं कि भगवान रंगनाथ के चरणों में आपका ध्यान लगाओ, वही आपके जीवन के अंतिम ध्येय है। और फिर दसवीं चीज बोलते हैं, एक फाइनल ऑब्जेक्ट ऑफ योर वर्शिप गॉड, ये आपके पूजा के 3 साधन है, भगवान, गुरु और उनके शिष्य, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है गुरु। इस प्रकार ये 10 उपदेश देने के बाद, इन सारे उपदेशों का सारांश यही है कि हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान के भक्तों से प्रेम करना चाहिए। इन सारे उपदेशों को देने के बाद भगवान रंगनाथ के मंदिर में सारे शिष्य उनको लेके जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। उस समय भगवान रंगनाथ के सामने यमुनाचार्य खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं, मेरे जैसा जीव क्या भगवतधाम जाने वाले है, कभी मैंने विचार नहीं किया। उतने में भगवान रंगनाथ के गले से हार गिर जाता है, तो सारे शिष्य उस हार को लेके आते हैं और यमुनाचार्य के गले में लगा देते हैं। उस समय यमुनाचार्य बोलते हैं कि कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा, हमारे और आपके साथ जो भी हमने सेवा किया सामने भगवान का, ये सेवा करते करते मुझसे कुछ अपराध हो गए होंगे। देखिए महान भगवान के जो भक्त रहते हैं उनका एक भाव रहता है। श्रील प्रभुपाद भी जब इस जगत से प्रयाण कर रहे थे आध्यात्मिक जगत के लिए, अपने शिष्यों से माफी मांग रहे थे, मुझे माफ कर दीजिएगा कि आपकी सेवा करते करते मैंने कभी किसी को डांट दिया होगा, मैंने भी किसी को डांट दिया होगा, होता है ना ऐसा, हम जब साथ में सेवा करते हैं तो मैंने किसी को डांट दिया होगा या किसी का ध्यान नहीं माना, कि हम तो यहाँ पे सब मिलकर प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं। मैं जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि भगवान के शुद्ध भक्तों में ये भाव होता है, वो ये नहीं सोचते कि मैं सबसे बड़ा हूं और मैं जो करूंगा वो सबसे अच्छा करूंगा, नहीं, अंत में जाते समय क्या कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं कि मुझे माफ कर देना। अब कितना अजीब लगेगा सोचिए जरा, गुरु अपने शिष्यों से माफी मांग रहा है, लेकिन यही पद्धति है जो भगवान के महान भक्त होते हैं इस प्रकार जीवन जीते हैं। तो कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती किया हूं, सारे शिष्य वापस रोना चालू करते, बोलते हैं नहीं नहीं गुरुदेव आप कैसे गलती कर सकते हैं, गलतियां तो हमने की है, हमें माफ कर दीजिए। इतने इसी समय में कांचीपुरम से 2 भक्त आते हैं श्रीरंगम में, है ना, उनको पता चलता है कि गुरु महाराज की तबियत खराब है और उनका समाचार लेने के लिए कांचीपुरम से श्रीरंगम के भक्त आते हैं। उस समय यमुनाचार्य पूछते हैं रामानुजर के बारे में कि कैसे चल रहा है कांचीपुरम में, यमुना रामानुज कैसे है, वरदराज कैसे है। तो उस समय भक्त बताते हैं कि गुरुदेव बहुत अच्छा हुआ है कि यादव प्रकाश और
रामानुजाचार्य अलग अलग हुए हैं। यमुनाचार्य प्रफुल्लित हो जाते हैं सुनकर कि जो मैंने प्रार्थना की थी वो मेरी प्रार्थना वरदराज ने सुन ली, पूरी कर ली। और उस समय अपने एक शिष्य थे महापूर्ण, उनको बोलते हैं तुरंत जाओ और जाकर क्या करो, रामानुजाचार्य को श्री रंगनाथ लेके आ जाओ और उनको आगे भेज देते हैं। और इसी समय ऐसा होता है कि यमुनाचार्य तो अभी श्रीरंगम में, उनको बुलाने रामानुजाचार्य लेने के लिए महापूर्ण चले गए, लेकिन रामानुजाचार्य के यहाँ, यमुनाचार्य के यहाँ पे तबियत और खराब होने लगती है। और तबियत जब पूरी तरह डाउन होती है तो उस समय यमुनाचार्य विस्तार से वर्णन है कि किस प्रकार अपने शिष्यों को और थोड़ा विस्तार में शिक्षा देते हुए, और खास करके अंतिम के दो तीन शिक्षाएं हैं, अपने गुरु अपने परंपरा को उनके हाथों में सौंपते हुए कहते हैं कि मैं आप सबको अंतिम उपदेश दे रहा हूं कि आप लोग भगवान रंगनाथ का एकदम सावधानी से समय के साथ सेवा पूरा कीजिए, और जितना भी महाप्रसाद निकलता है सबको समान रूप से बांटिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कोई बड़ा है कोई छोटा है या कोई आपका विशेष अनुग्रह प्राप्त करने वाला है। तो जब सारे शिष्य सुनते हैं कि गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं तो उनको तो एकदम पूरा अलर्ट हो जाता है कि अभी तो निश्चित गुरु क्या होने वाले हैं, हमको छोड़ के जाने वाले हैं। सारे शिष्य उनको पूरी तरह से घेर लेते हैं और यमुनाचार्य सबको अपना अंतिम दर्शन देते हुए उनके गुरु आपको याद रहेगा राम मिश्रा, उनके चरणों में अपना ध्यान लगाते हुए इस जगत से प्रयाण कर जाते हैं आध्यात्मिक जगत की तरफ। और उसका फिर विस्तार से वर्णन है कि इस प्रकार उनका फाइनल जो एक सन्यासी को फाइनल राइट्स दिए जाते हैं, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और इस तरफ तो ये घटना हो गई, ये शरीर छोड़ के चले जाते हैं यमुनाचार्य, पीछे अपने बहुत सारे उपदेश उनके लिखे हुए ग्रंथ है स्तोत्र रत्न करके, हमने देखा था लास्ट टाइम उनके दो तीन श्लोक पढ़े थे हमने, प्रभुपाद जी कई बार कोट किया करते हैं स्तोत्र रत्न में से। ऐसे बहुत सारे आध्यात्मिक संपत्ति को अपने शिष्य को देकर इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत चले जाते हैं। उस तरफ श्रीरंग यहाँ पे कांचीपुरम में महापूर्ण ब्राह्मणाचार्य को लेने के लिए आते हैं, उनको पता नहीं कि गुरु महाराज यहाँ से शरीर छोड़ के चले गए। और देखते हैं कि उस समय यमुना रामानुजाचार्य अपना जो सेवा रहता है रोज का कुएं से पानी भर के लेके जाने को कर रहे थे, और महापूर्ण ये देखकर कि यम रामानुजाचार्य को लेकर जाना है, एक श्लोक बोलते हैं, बहुत सुंदर सा श्लोक बोलते हैं, गुनगुनाते हैं, और रामानुजाचार्य सुनते हैं। वो श्लोक सुनकर स्तब्ध हो जाते हैं रामानुजाचार्य और सोचते हैं कि किसने बोला है इतना सुंदर श्लोक। उतने में महापूर्ण वहां से जा रहे होते, बोलते हैं कि ये और कोई नहीं हमारे गुरु महाराज यमुना का लिखा हुआ श्लोक है। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं मुझे मिलना है तुरंत उनसे, तो कहते हैं कि चलो मिलते हैं हम लोग यहाँ से। दोनों आते हैं साथ में और निकलते हैं श्रीरंगम की तरफ मिलने के लिए उनको, लेकिन जैसे श्रीरंगम की तरफ आते हैं बीच में कावेरी नदी आती है, आपको पता रहेगा श्रीरंगम के यहाँ पे कावेरी नदी है बहुत ही पवित्र, आगे बहुत सारे प्रसंग आएंगे उसमें। रामानुजाचार्य नित्य नियम से स्नान करने के लिए जाते थे कावेरी में, देखते कि कावेरी नदी के किनारे पे बहुत बड़ा झुंड है लोगों का, थोड़ा पास में आके पूछते हैं कि क्या हो रहा है सब यहाँ पे, तो लोग बताते हैं कि एक्चुअली यमुनाचार्य इस जगत से शरीर छोड़कर चले गए। जब ये सुनते हैं तो यमुनाचार्य और महापूर्ण जो उनको लेने के लिए गए थे दोनों वहीं पे अचेत होके गिर जाते हैं, ये विचार करते हुए कि अरे जिनको हम मिलना चाहते थे वही गुरु क्या हो गए हमारे छोड़ के चले गए। लेकिन उस समय यमुनाचार्य महापूर्ण अपने आप को संभालते हैं, और क्योंकि उनको पता है कि अभी जरूरी है हमारे मिशन को आगे बढ़ाना, इसलिए रामानुजाचार्य को कुछ भी करके श्रीरंगम लेके जाना है और उनको नेक्स्ट उनका सक्सेसर एस्टेब्लिश करना है। तो जब उनका अंतिम संस्कार करने के लिए यमुनाचार्य को जो फाइनल ये रहता है अपना समाधि उसमें जब रखा रहता है, तो रामानुजाचार्य देखते हैं कि यमुनाचार्य के पांच, जैसे अभी कोई व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है उसकी पांचों उंगलियां बंद हो जाती है जनरली, तो देखते हैं कि लेकिन तीन उंगलियां खुली रहती है लेकिन तीन उंगलियां उनकी ऐसी बंद रहती है और बाकी सब खुले रहते हैं ऐसे तीन। तो यमुना रामानुजाचार्य पूछते हैं सारे शिष्यों से कि ऐसा क्यों है कि आपके गुरु के तीन उंगलियां बंद है और बाकी सब खुली हुई है, क्या इनकी कुछ इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हुई है?
तो शिष्य बोलते हैं ऐसा तो कुछ गुरु महाराज ने कभी कहा नहीं। हाँ, लेकिन वो कई बार अपने सत्संग में कथाओं में कहा करते थे ऐसी तीन चीजें जो उनके हृदय को बहुत प्रिय थी। वो कौन सी थी, इसके साथ हम पूरा करेंगे इसको। वो कहते थे कि पहली इच्छा कि कृष्ण, द्वैपायन व्यास और पराशर, इनके सम्मान में हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, पहली इच्छा। दूसरी कहते हैं कि जो संत है नाम अलवार, उनके परंपरा में उनको सम्मान देना चाहिए, उनके सम्मान में कुछ ना कुछ करना चाहिए। और तीसरा कहते हैं कि जो विशिष्ट अद्वैतवाद यानी कि ब्रह्म सूत्र है, वेदांत सूत्र, इसके ऊपर किसी ने तो टीका लिखनी चाहिए हमारे संप्रदाय में, ऐसी तीन चीजें बोलते हैं। तो रामानुजाचार्य यमुनाचार्य के पास आते हैं और कहते हैं कि अगर आपकी ये इच्छा थी ये तीन, तो मैं उनको पूरा करूंगा। और जब जैसे यमुना रामानुजाचार्य एक एक करके बोलते हैं, वैसे वैसे एक एक उंगली खुलती है यमुनाचार्य की। पहले चीज बोलते हैं, पहले चीज उंगली खुल जाती है कि पराशर और व्यासदेव, इन दोनों के सम्मान में हमें कुछ तो करना पड़ेगा। दूसरा चीज संत नामालवार जो है उनके लिए हमें कुछ ना कुछ सम्मान देना पड़ेगा। और तीसरा वेदांत सूत्र के ऊपर हमें भाष्य लिखना है। तीन चीज बोलते तीन उंगलियां खुल जाती है। जैसे सारे लोग देखते हैं, कहते हैं कि आप ही हमारे अगले क्या है, उत्तराधिकारी है। और तुरंत उनको यमुनाचार्य के बाद रामानुजाचार्य को वहीं पे उनका अगला उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। और कई बार ऐसे कई क्रॉनिकल से उसमें लिखा गया है, रामानुजाचार्य कहा करते थे कि अगर मेरी एक बार भी मुलाकात होती यमुनाचार्य के साथ, तो मैं सीधा वैकुंठ जाने के लिए सीढ़ी बना देता। मतलब उनके मिलन में इतना पावर था, दोनों अगर एक साथ आ जाते, ये दो बड़े बड़े आचार्य यमुनाचार्य और रामानुजाचार्य। लेकिन रामानुजाचार्य कहते कि अफसोस है मुझे कि मिल नहीं पाया अपने गुरु से। और इस प्रकार एक्चुअली श्रीरंगम इतना पास में था वहां से, जैसे आप दादर में हो और यहाँ पे गोपीनाथ का मंदिर हो, इतना अगर कोई पास आ जाए तो कोई बोलेगा ना कि दर्शन करके आ जाता हूँ गोपीनाथ का। लेकिन रामानुजाचार्य दर्शन करने के नहीं जाते श्रीरंगम का, रंगनाथ का। गुस्सा होकर बोलते हैं कि मैं ऐसे भगवान से नहीं मिलना चाहता जिसने मुझे अपने गुरु से मिलने नहीं दिया, और गुस्सा होकर वापस चले जाते हैं कांचीपुरम। मतलब विचार कीजिए कि एक व्यक्ति के लिए गुरु कितना महत्व रखता है, क्योंकि हमें गुरु से ही भगवान मिलते हैं। जब हम गुरु को ही प्रसन्न नहीं कर सके जीवन में, तो भगवान को कैसे प्रसन्न कर पाएंगे। और रामानुजाचार्य यहाँ पे गुस्सा करते हुए, गुस्सा हो जाते हैं रंगनाथ के ऊपर, कहते हैं नहीं होंगे मिलने आपसे, आपने मुझे मेरे गुरु से मिलने नहीं दिया, और वहां से उनको मिले बिना रिटर्न चले जाते हैं। इस प्रकार यमुनाचार्य रामानुजाचार्य कहते हैं कि तीन चीजें अगर मेरे साथ अच्छी रहेंगी, एक तो मेरा स्वास्थ्य, दूसरा आपकी कृपा, और भगवान की इच्छा, तो मैं आपकी इन तीनों इच्छाओं को पूरा कर दूंगा। और आप देखेंगे आगे आने वाले प्रसंगों में कि किस प्रकार श्रीरंगम में आने के बाद, अभी तो कांचीपुरम में, कांचीपुरम से श्रीरंगम में वापस आएंगे रंगनाथ मंदिर के। यहाँ पे रंगनाथ मंदिर ये श्री वैष्णव संप्रदाय का हेडक्वार्टर माना जाता है, जैसे हमारा मायापुर हेडक्वार्टर है ना, उसी प्रकार कांचीपुरम से श्रीरंगम में रामानुजाचार्य आएंगे और पूरे श्री वैष्णव संप्रदाय के इसको संभालेंगे, पूरे मैनेजमेंट, मंदिरों के व्यवस्थापन, और कई कई जगह प्रचार करेंगे। बहुत विस्तार से कथा आगे आएगी, और उस समय ये तीन उनकी जो इच्छाएं थी उसको पूरा करेंगे। इस प्रकार श्रीपाद रामानुजाचार्य उनका संपर्क आता है यमुनाचार्य से, और यमुनाचार्य इस जगत में अपने जो गुरु थे राम मिश्रा, उनके पदचिन्ह पे चलते हुए इस संप्रदाय को आगे लेकर इस जगत से प्रयाण कर जाते हैं। तो अगर आप अगर जाएंगे यहाँ पे दक्षिण भारत में कांची श्रीरंगम मंदिर या फिर कांचीपुरम, तो यहाँ पे आपको इन जितने भी वर्णन कर रहे हैं ना अभी, ये सब मंदिर और आचार्य की समाधियां, सब कुछ, यहाँ तक कि रामानुजाचार्य की शरीर की खुद की बनी हुई समाधि वहां पे आपको दिखेगी, अभी तक प्रिजर्व्ड है वो। यहाँ पे कांचीपुरम में उनका जो मूल ये है शरीर उसके साथ। तो ऐसे कई सुंदर कथाएं हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस क्रम में तो हम इसको आगे देखते हैं। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय।
श्री यमनाचार्य की जय, श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय, हरे कृष्ण। तो अभी कुछ समय है हमारे पास, इतना जोर से कीर्तन नहीं कर पाएंगे आप लोग, लेकिन आपका कुछ प्रश्न रहेगा तो पूछिए, या फिर हम लोग सॉफ्ट कीर्तन करके फिर आप लोगों को पसंद की विदाई दे देंगे। अच्छा, और एक सोचना है, आपको बताना भूल गया, हमारे उधर खोपली ग्रुप ने जैसे मैंने कहा था यात्रा का अरेंजमेंट करना चालू कर दिया है 2024 14 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर का ओपनिंग है, पता रहेगा, पता है नहीं पता है। तो हम लोग वहां से प्लानिंग किए हैं कि हम लोग वृंदावन की यात्रा करेंगे 26 अगस्त से लेकर जो भी 3-4 दिन उन्होंने कैलकुलेट किया है, वृंदावन और वहीं से मथुरा के सॉरी अयोध्या के भी दर्शन करके आने का प्लान है, वृंदावन और अयोध्या 2024 जनवरी 26 27 28 29 ऐसे कुछ तो है, 5-6 दिन उन्होंने बता के रखा है हिसाब किताब, और उसके कितना लगेगा, यू नो कॉस्टिंग, जाने आने का खर्चा, वो सब उन्होंने बताया है। तो अभी आप लोग इतने दिन से पूछ रहे थे ना यात्रा कब होगा तो यात्रा जाने का अभी आपका एक समय आ गया है, अगर जो भी जाना चाहेंगे उस यात्रा के लिए टिकट बुकिंग जो है हमको सितंबर से करना पड़ेगा, तब आपको जनवरी का टिकट मिलेगा 4 महीने पहले का। जाने का ट्रेन जो है हमने देखा है गरीब रथ का, क्योंकि उसका स्पीड भी अच्छा है और फेयर भी कम है, तो 1000 रुपए के आसपास है उसका जाने का टिकट। तो वैसा यात्रा का अरेंजमेंट है, अभी आप लोगों में डिटेल ग्रुप में डालूंगा, उसमें नंबर ले लूंगा। अपने यात्रा का कौन था यहाँ पे लीडर कोऑर्डिनेटर, या कोई बनना चाहता है तो क्लास के बाद मुझे अपना नाम दीजिएगा, उनके पास सारे भक्त अपना नाम दर्ज करके यात्रा के लिए तैयारी कर सकते हैं। यात्रा जाने के नहीं जाना आप लोगों को, आज एकादशी वजह से एनर्जी कम है क्या, उपवास ज्यादा हो गया ठीक है, तो यात्रा का डिटेल हम आपको देंगे ग्रुप में, फिर उस प्रकार हम लोग तैयारी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो एक 5 मिनट कीर्तन कर लेते हैं, जितना थोड़ा हो सके सॉफ्टली बैठे कर लीजिए और फिर आप लोग प्रसन्न पाइए। स्टैंडिंग कीर्तन करेंगे ठीक है, 10 मिनट के लिए कर सकते हैं, ऊपर टेम्पल और तो सवाल चलता है ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
आपसे।